हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 11 का विज्ञान के मूल तत्व का सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चनों के उत्तर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे, तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। एक भी प्रश्न को ना छोड़ें, आपको जितना आता है एग्जाम में उतना करें, लेकिन एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, ना ही छोड़ना है। तो पहला प्रश्न है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, चार विकल्प वाले, एक विकल्प का चयन करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वह है लोलक की प्रभावी लंबाई, ऑप्शन नंबर ब। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है, तो पदार्थ के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, घर्षण बल एक है, तो घर्षण बल क्या है, एक गति प्रतिरोधक बल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है, तो यह होता है सर्वोत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदर्श मशीन की दक्षता होती है, तो आदर्श मशीन की दक्षता होती है एक। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। दूसरा है, रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना को सौरमंडल के समान माना है। थर्ड क्वेश्चन है, जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दूध एक पायस तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और पीडीएफ वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो 3 का पहला है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गोंद जैसी प्रकृति वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, चांदी के सल्फाइड आयस्क का नाम लिखिए, चांदी के बहुत सारे, जो इसका आंसर रहेगा वह है अर्जेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉक्साइट से किस धातु को प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम। तो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरफ से याद रखना है। जैसे आपसे पूछे एल्युमिनियम का एस का नाम बताइए, तो आपको बॉक्साइट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचक किस प्रकार के यौगिक होते हैं, तो सूचक होते हैं कार्बनिक प्रकार के यौगिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं, तो आप इनको सीधे सीधे याद कर लें। दुर्लभ क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सही आंसर है, तो इनको सीधे सीधे आप याद कर लें। ठोस सॉल है मणि, और जेल है मक्खन, और बोर है कक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आपके अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको, जो अच्छे तरीके से आता है वो करें, और नहीं आता है तब भी आप थोड़ा बहुत उसमें ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, घर्षण बल किसे कहते हैं, अथवा घर्षण के कोई दो लाभ लिखिए। प्रश्न संख्या 6 है, परमाणु क्या है, अथवा परमाणु के मौलिक कणों के नाम लिखिए। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप देख लें, इन सभी के उत्तर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इन के उत्तर आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप इन सभी को देख लें। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।